हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फीज अकेडमी, बी योर बेटर सेल्फ। तो मैंने अपनी पिछली लास्ट वीडियो में जो स्नैप का मैंने पेपर पैटर्न की वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि सेम वीडियो मैं जैट के लिए भी लेकर आने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे जैट 2023 का क्या पेपर पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस आ रहा है एंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप अपना कैसे कॉलेज जो आप PBM के लिए, PGDBM या PGDM HR के लिए जो आप सोच रहे हैं, कितनी परसेंटाइल कितने स्कोर पर बनती है और कैसे आप इतने मार्क्स लेकर आ सकते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ कैट इज ओवर, फोकस ऑन जैट। एंड जैट की बात कर रहे हैं तो आई होप आप सभी को पता होगी कि पहले जैट की लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 30th November थी, बट ये भी एक्सटेंड हो गई है 11 December तक, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन है। तो 11 December तक है, तो अभी भी जो लोग सोच रहे हैं या जो लोगों को लग रहा है कि यार मुझे भरना था जैट का फॉर्म, डेट चली गई है, तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए, अभी भी डेट है 11 December। ठीक है, एंड बात करते हैं सिलेबस वाइज एंड इसका क्या क्या बाइफर्केशन पैटर्न आने वाला है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम बात करें कि पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न टोटल 190 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, लेकिन ये 190 मिनट्स कैसे बाइफर्केटेड है, 165 मिनट्स जो हैं वो आपको इन तीन सेक्शंस को करने के लिए मिलेंगे। अभी जो तीन सेक्शंस हैं, इन तीनों सेक्शंस में यू कैन शफल। पहला सेक्शन है आपका वर्बल, यानी जो इंग्लिश का होगा, उसमें लॉजिकल एबिलिटी भी है। लॉजिकल एबिलिटी क्यों है, ऐसा क्या इसमें टॉपिक है लॉजिकल एबिलिटीज़ को बोल रहे हैं, वो हम इसके सिलेबस में देखेंगे। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग। BDM इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जैट पेपर, जो यही वाला जो सेक्शन है यही इसको बहुत अलग बनाता है बाकी के एग्जाम से। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, जैसे कि इसमें मतलब कितने कितने क्या क्या आते हैं वो तो मैं अभी आपको सिलेबस में बताऊंगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग होता क्या है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आएंगी, क्योंकि किताबों से पढ़ी सिचुएशन तो आती नहीं है देखो हमारी ज़िंदगी में, तो अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, तो इस टाइप की सिचुएशन से हमें डील करना होता है। एंड कीपिंग इन माइंड कि उसमें कंपनी को लॉस ना हो, मतलब ऑब्वियसली बात है कि आप ये बिजनेस प्रोग्राम है, आप कंपनी में जाओगे कल को, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से आपको जवाब देने होंगे, तो वो आपका एक्यूमेंट चेक कर रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप अगर होते, अगर आपको मैनेजर बना दिया जाए, CEO बना दिया जाए, तो आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का ही जो सेक्शन है, मतलब इसकी कट ऑफ 7 से 8 की जाएगी, सेक्शनल कट ऑफ की जो मैं बात कर रही हूँ, तो सेक्शनल कट ऑफ अगर आप 7-8 नंबर भी ले लेंगे तो भी यू विल क्लियर दिस कट ऑफ, ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन बहुत से बच्चे उसमें 7-8, 10-12 नंबर भी स्कोर करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। ठीक है, तो उसके 21 क्वेश्चन आएंगे। क्वांट है, जो क्वांटी के अंदर आपका DI आता है। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस आता है कि हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कैट पेपर। कैट में जो DI आता था वो लॉजिकल रीजनिंग में आता था, एंड दैट वॉज नॉट प्योरली DI, दैट वॉज LRDI, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के साथ DI मिक्स होता था। जैट में इट इज़ प्योर DI, ठीक है, और वो भी क्वांट सेक्शन में आता है। एंड प्योर DI का मतलब ये है कि इसमें लॉजिकल वाला चीज़ या पजल वजल नहीं घुसाता, नंबर बेस्ड आता है, सॉल्वेबल होता है, बट इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी आती है, मतलब कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती जितना कैट में होती है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मल बार चार्ट ग्राफ बार रीडेबल होते हैं कर सकते हैं, बट थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह होती है, इसीलिए ये मतलब इन टर्म्स मतलब हम कह भी सकते हैं कि कैट से कंपैरेटिवली इसका ये वाला जो DI वाला पोर्शन है, सेक्शन है, ईजी आता है। ठीक है, फिर देन आपका आता है जनरल नॉलेज, GK का सेक्शन, उसके लिए आपको अलग से 15 मिनट्स मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। कीपिंग इन माइंड कि इसमें GK में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आई टॉक अबाउट द नेगेटिव मार्किंग एंड कितने प्लस मिलते हैं कितने माइनस मिलते हैं वो बारे में भी बताती हूँ। एंड ये जो एस ए राइटिंग का है, उसके लिए आपको अलग से 10 मिनट मिलेंगे। 2018 तक ऐसे राइटिंग आता था, 2018 के बाद से ये ऐसे राइटिंग वाली जो चीज़ है ये हटा दी गई थी। ठीक है, पहले तो जैट का पेपर होता ही पेपर मतलब पेन पेपर बेस्ड हुआ करता, वो MR शीट पे फिल करना होता था, एंड देन उसमें ऐसे राइटिंग फिर कुछ टाइम तक रहा था, देन बाद में 2018 ऑनवर्ड्स हटा दिया गया था। अब ये वापस से ऐसे राइटिंग इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 10 मिनट्स इसके भी होंगे, तो टोटल 101 क्वेश्चंस होंगे, सबको मिला करके 190 मिनट्स मिलेंगे आपको, 165 मिनट्स अपर थ्री सेक्शंस के लिए। अब ये भी बता दूँ कि जो आपकी परसेंटाइल बनेगी या आपका जो भी कॉल आएगा, वो कॉल आपको इन तीन सेक्शन के स्कोर के बेसिस पर आएगा, उसमें GK का और SA का स्कोर कंसिडर नहीं होगा। ये दोनों जो स्कोर कंसिडर होते हैं वो इंटरव्यू के टाइम पे कंसिडर किए जाएंगे आपके फाइनल कन्वर्जन में। कॉल अभी फ़िलहाल आने के लिए जो परसेंटाइल जो बनेगी जिसमें आप इन कोर्सेज में जाओगे, उसके लिए
मतलब जिनके लिए आपको इन कोर्सेज के लिए कॉल आएगी, ठीक है, वो ये अपर थ्री सेक्शन से ही होगा, ठीक है। अभी स्कीम देख लेते हैं कि कितने कितने नंबर का पेपर है, क्या है। 1 mark फॉर ईच करेक्ट आंसर है, तो ये बात करें तो ये आपका पूरा, जैसे 100 questions हैं तो आपके 100 marks का पेपर हो गया, ठीक है। जैसे 26, 21, 20, 80 तीनों मिलाकर के 75 questions हैं, तो आपकी जो लिस्ट निकलेगी, जो आपकी परसेंटाइल आएगी, वो 75 marks में से आएगी, ठीक है। तो यू शुड वरी अबाउट दिस। GK में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 25 के 25 questions आपको अटेम्प्ट करना है। आते हैं नहीं आता जो भी है, इसमें तुक्का मार देना, ठीक है। पिछली वाले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि तुक्का नहीं मारना है आपने, जिसमें चारों में से नहीं पता, पर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, क्या पता आपका तुक्का कितने ठीक हो जाए कितने गलत हो जाए, ठीक है। तो 25 questions है इसमें, तो पूरे के पूरे आपने अटेम्प्ट करना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको इन 3 sections पर ज़्यादा ध्यान देना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, अच्छा। जैट में 5 options आते हैं हर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, 5 options होंगे ABCDE, बट नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, ठीक है। एंड ये वाली चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, बाकी पेपर्स में ऐसा नहीं होता, बाकी पेपर्स में अगर आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस छोड़ते हो तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ पर अगर आप 8 से ज़्यादा 8 तक छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे 75 questions है, 75 questions में अगर आपने 8 questions छोड़ दिए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 8 से ऊपर छोड़ते हो तो 0.10 आपके नेगेटिव मार्क्स उसमें डिडक्ट होने शुरू हो जाते हैं पर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सबका अपना अपना तरीका है। इसमें बहुत ही स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम सर ये छोड़ना सही है कि नहीं है, मतलब हम छोड़ें कि नहीं छोड़ें। मैं बोलूँगी कि अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नेगेटिव मार्किंग भी तो नहीं करनी चाहिए ना आपको। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने कीपिंग इन माइंड कि भाई हमें ज़्यादा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ दूँगा तो मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो आप नेगेटिव अटेम्प्ट कर दो। अगर मुझे किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा तो आई हैव टू लीव दैट क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपको 5 options में से इफ़ यू आर एबल टू इलिमिनेट 3 options, अगर आप 2 पर अटक रहे हो तो फिर आप, अगेन मैं फिर से वही बोलूंगी, देन टेक अ रिस्क, ठीक है। तब आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, लेकिन मुझे 5ों में से कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा एंड इस डर से कि मैं अनअटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन छोड़ूंगा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू टेक द रिस्क, ठीक है। तो आप फिर छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं ध्यान भी लगाऊं, देखो भी कि अगर मैंने 10 questions छोड़ भी दिया है तो 10 question 0.10 marks, 8 के ऊपर के 10 question, 8 तक तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं ना। तो अगर 8 के ऊपर के 10 questions भी अगर मैं छोड़ दूँ तो 0.10 के हिसाब से मेरा 1 number जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 number चला गया है मेरा, 18 questions में छोड़ पा रही हूँ, तो आई कैन टेक दैट रिस्क। हालांकि ऑब्वियसली बात है कि आपके फिर स्कोरिंग भी ऑब्वियसली, अगर आपने 75 में से 18 marks आप कम कर लीजिए, आपका जो अटेम्प्ट है एक कितना बच गया आपका 57 ना, आप अटेम्प्ट 57 में से कर रहे हो एंड 57 में से आपको सेफ जोन में लाए करने के लिए 25+ तो स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 57 में से अगर आप 30 भी चाहते हैं तो ये तो देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं आपको नॉलेज के बेसिस पर तो आप ज़्यादा रेंज में पहुंच पाएंगे। अटेम्प्ट मैं कम करूँगी तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अटेम्प्ट कम करूँगी तो ऑब्वियसली मेरा स्कोप ही कम हो जाएगा ना कि मैं तो स्कोर कर पाऊँ। तो अल्टीमेटली इन नटशेल आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आप 2 options में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो टेक अ रिस्क, अगर आपको 5ों में से नहीं आता देन डू नॉट टेक अ रिस्क, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द पेपर पैटर्न, क्या मार्किंग स्कीम होगी, ये सब कहानी है। नाउ अब सिलेबस की बात कर लेते हैं फटाफट से पर सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन इज आपका वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी। व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एबिलिटी, बिकॉज इसमें क्रिटिकल रीजनिंग आती है। क्रिटिकल रीजनिंग ये क्या होती है, ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कुछ कुछ इन्फर करना होता है, जैसे क्रिटिकली आपको सोचना पड़े, जैसे डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग एक सिचुएशन दे दी है आपको डिसीजन लेना है, क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे एंड देन कुछ आपको उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करने पड़ेंगे, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। या फिर अब मैं बोल दूँ कि मैंने एक पैराग्राफ दे दिया, मैं बोलूँ विच वन विल वीक इन द आर्ग्यूमेंट, स्ट्रांग इन द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग में, जो आप क्रिटिकली सोच करके आप बताते हो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो इसीलिए इसको लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन भी बोला जाता है। इसमें आपके 4 RC आएंगे, 3-3 questions के हर RC रहेंगे, मतलब हर RC में आपके 3-3 questions होंगे, 12 questions। लेंथ वाइज बोलूँ तो कंपैरेटिवली कैट से थोड़े से लेंदी होते हैं इसके RCs, बट जो इसके questions होते हैं वो इतने ट्रिकी नहीं होते हैं, तो मतलब डुएबल होते हैं। RC थोड़ा लेंदी होगा पढ़ने के लिए, तो अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो डाल लीजिए, अगर आप जैट फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने कैट की तैयारी किया उनको ऑलरेडी पता है कि रीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो जैट में भी आपको ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बट इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में जैसे कैट में तो थोड़ा घुमा देता है ना, क्वेश्चन में नेगेटिव का नेगेटिव बना दिया और इस तरीके के देता है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं देता, इसमें नॉर्मल देगा, ठीक है। तो 4 RC आएंगे आपके, 3 questions each होगा RC में एंड टोटल 12 questions।
देन आपकी दो पोएम्स आती हैं, यस दैट में पोएम तो बनती ही बनती है, हमेशा इसका एक डिफरेंशिएटर होता है कि वो पोएम देता ही देता है। एंड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस में बताऊँ तो पोएम्स इतना आसान नहीं होता है गेस करना। नॉर्मली हमें किसी का मुहावरा ही नहीं समझ आता, अगर हम हिंदी में भी बोलें कई बार हमें वो ही नहीं समझ आती, और अगर हमने इस बात को हिंदी नॉर्मल, अब सोचो ना हिंदी में कोई कविता बोली और उसमें से मुझे उसका सारांश निकालना है, तो इज इट दैट ईजी? एंड अगर वो इंग्लिश में आ जाए तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन पोइम्स, पोइम्स में क्योंकि डायरेक्ट तो देखो मतलब होता नहीं है, इन्फर करना पड़ता है आपको, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, उसके लिए आप मॉक दीजिए, देखो प्रीवियस या पेपर्स देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन में वो कहाँ से कैसे आंसर को अपना सही आंसर बताता है। आप लास्ट ईयर के पेपर देखे देखिए, उसमें देखो कि अगर ये पोएम आई है इसमें ये वाला क्वेश्चन अगर आपका आंसर डिफर कर रहा है तो उसने ये आंसर दिया तो उसका माइंडसेट क्या है, वो माइंडसेट समझने की कोशिश कीजिए एंड उस बेसिस पर आप आंसर लगाइए। बट अगर वर्स्ट सिनेरियो में आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, यू आर ब्लैंक, देन लीव दिस दीज थ्री क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अगर आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो रहे हैं तो तीन में से एक आधा अटेम्प्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर तीनों ही छोड़ने पड़ेंगे। क्या कर सकते, आठ का तो वैसे भी हम छोड़ सकते ही है ना, इतना तो हमारे पास मार्जिन है। ठीक है, देन आपका आती है वोकैबलरी, येस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैट में वोकैबलरी, एनालॉजी, फिल इन दी ब्लैंक्स, पैरा जम्बल्स, पैरा जम्बल्स। देखिए ये जो सारी चीज़ें ना वोकैबलरी, एनालॉजी, फिल इन दी ब्लैंक्स, ये सब तो आप बाकी के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ ही रहे हैं। पैरा जम्बल्स की अगर मैं बात करूँ, पैरा जम्बल्स इसमें कंपैरेटिवली टू कैट थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। एक तो रीज़न ये होता है कि इसमें पाँच पाँच सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, कभी कभी तो छः छः सेंटेंसेस भी दे देता है, छः छः सेंटेंस के, पाँच पाँच सेंटेंस के बनाने होते हैं, प्लस सेंटेंसेस लंबे भी ज़्यादा होते हैं कैट के कंपैरेटिवली। बट एक अच्छी चीज़ ये होती है इसमें कि कैट में ऑप्शंस नहीं होते, टीटा क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई टीटा क्वेश्चन नहीं होते हैं, सारे ऑप्शंस वाले होते हैं, तो आप ऑप्शंस के बेसिस पर कर सकते हैं। तो टेक हेल्प फ्रॉम दी ऑप्शंस, ऑप्शंस को निगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, डू नॉट थिंक पहले बना लें देन ऑप्शंस में मैच करें, नहीं ऐसा मत करना क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पैरा जम्बल्स हैं, दो क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन की हेल्प से बना लेते हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, पांच ऑप्शन में से तीन तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, दो में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो आप थोड़ा सा और इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे तो बना लेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरा जम्बल, देन पैरा कम्प्लीशन आता है एंड स्टेटमेंट अजम्पशन, तो ये दोनों मिला करके आपके लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन बना देते हैं, लॉजिकल एबिलिटी बना देते हैं। ठीक है, तो ये तो रही हमारी वर्बल के सिलेबस की बात, लेट्स टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, तो इसमें आपको बताया जाता है कि अगर आपको ये सिनेरियो दे दिया जाए, जैसे टॉपिक्स क्या क्या आते हैं आपके डिसीजन मेकिंग से, अगर मैं बात करूँ जैसे एचआर रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये सिनेरियो है इसमें आप क्या करेंगे, जिसमें कंपनी का कैसे प्रॉफिट हो कैसे लॉस हो, अगर मुझे मान लीजिए यही मैं आपको सिचुएशन दूँ कि अगर मुझे कंपनी मेरी लॉस में जा रही है तो मुझे इतने सारे एम्प्लॉयज़ को फायर करना है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, क्या फायर कर देना चाहिए, अगर फायर करना है तो ओल्ड एज वालों को फायर करना चाहिए कि यंगर वालों को फायर करना चाहिए, इस टाइप की सिचुएशन देता है। तो आपको कंपनी का पर्सपेक्टिव, कंपनी का बेनिफिट ध्यान में रखते हुए, बट उसमें ये भी देखना है कि आपने जो ह्यूमैनिटी वाइज है या एथिकल वाइज है वो चीज़ भी गलत ना हो, ऐसा भी ना हो कि लोगों के साथ गलत हो रहा है एंड कंपनी में बहुत ही इतना फ़ायदे पे फ़ायदा करे जा रहे हैं आप। ठीक है, तो दोनों का आपने बैलेंस या तालमेल बना के रखना है, एथिक्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम एंड कंपनी का प्रॉफिट ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस में, जैसे इसमें ऑर्गेनाइजेशन एचआर रिलेटेड से एक दो सेट्स आते हैं, एथिकल डिलेमा से एक दो सेट्स आते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस अगेन ये सारे सेम सी कैटेगरी हो गई, उनसे दो तीन सेट्स आते हैं, सारे डूएबल होते हैं। जो ये वाला होता है ना बिहेवियरल या पर्सनल डिसीजंस वाला, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी भी क्या, इसमें सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन दे दी गई है जिसमें मेरा पर्सनल, बिकॉज हम उसमें गलती क्या करते हैं, हम अपने आप को सिचुएशन में रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमने अपने आप को सिचुएशन में नहीं रखना है, जैसे नॉर्मल है अगर जब आप आरसी पढ़ते हो तो आरसी पढ़ते वक्त हम जनरली सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि अपना थॉट प्रोसेस अलग रख दीजिए, व्हाट यू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, अबाउट अ पर्टिकुलर सिनेरियो, इट्स सेपरेट थिंग, गो इन टू द करेक्टर ऑफ द ऑथर। ठीक है, तो ऑथर जैसा सोच रहा है आपको उसकी सोच से अपने आपको अलाइन करना है, सेम अगर आप उस तरीके से इन सबको सेट करके करेंगे ना कि वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहा है, मैनेजर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, कंपनी का बेनिफिट कैसे होगा, लोगों को नुकसान कम से कम कैसे हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखे करेंगे तो इट इज़ वेरी डूएबल, हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस कीजिए, इतना भी ऐसा नहीं है कि केक वॉक है, प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग या वीक सेक्शन है। ठीक है, उसके अलावा सात से आठ पैसेजेस मतलब इन्हीं सबके मिला करके हैं,
सात से आठ पैसेजेस आएंगे आपके, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस के, इसमें 21 क्वेश्चंस है ना, तो जैसे अगर मैंने बात करूँ तो सात आ गए, तो तीन तीन क्वेश्चंस के साथ आ जाएंगे, ठीक है, 21 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। जैसे अगर 2022 की बात करूँ तो छः पैसेजेस आए थे तीन तीन क्वेश्चंस के इस सेक्शन में, तो टोटल 18 क्वेश्चंस आए थे इससे रिलेटेड, ना एक दो थोड़े से और अलग अलग सिंगल 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 से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सिंगल 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 भी आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा क्लस्टर ही आए आपका, दो दो क्वेश्चन का, तीन तीन का, तो ऐसी भी कहानी थी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग की रही बात ये, अब बात करते हैं क्वांट की एंड डीआई की, कि इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस मोर और लेस सारा सेम है जो आपने कैट में पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, बट ये ज़रूर हो सकता है कि जो चीज़ें कैट में इनडेप्थ नहीं पूछता इसमें इनडेप्थ पूछता है, और जो वहाँ पे इनडेप्थ पूछता है यहाँ पे ऊपर ऊपर से पूछता है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ, ये तो देखिए अब सारे ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये तो आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स है, राइट। तो ये अर्थमेटिक वाले टॉपिक्स आपको पता ही है कि अर्थमेटिक तो देखो आते ही आता है, अर्थमेटिक तो हर किसी पेपर में इतनी वेटेज रखता ही है, अपनी इंपॉर्टेंस अर्थमेटिक की अलग ही होती है। बट ये जो वाले जो टॉपिक की मैं बात करूँ ना, कि ज्योमेट्री भी इसमें आसान आती है, कैट में ज्योमेट्री की वेटेज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है ज्योमेट्री में इंसुलेशन की, यहाँ पे नॉर्मल इजी लेवल की आएगी, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ एलजेब्रा, वहाँ पर एलजेब्रा में फॉर्मूलाज या आइडेंटिटीज़ नहीं आती हैं कैट वगैरह में, लेकिन यहाँ पर आपको आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेंगी। ये मैंने आपको स्नैप के पेपर में भी बोला था, स्नैप के जब मैं बता रही थी कि यू शुड नो अबाउट ऑल दी फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं। सेम गोज विद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा साइन 30 कितना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनता है आपका, या फिर साइन ए प्लस बी कितना, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला जो फॉर्मूला है, ये सब यू शुड नो, ठीक है। एंड हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कि इसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, तो आपको ये देखना है। प्लस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा पूछता है, तो ये वाले जो लास्ट के जो टॉपिक है ना, इनमें थोड़ा सा ये वाले थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं कैट के उससे। और इसमें हाँ, ये वाला जो है ये आपने कैट में नहीं पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, तो ये एक बार जाके देख लीजिएगा। हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं आता, बट यू शुड नो ऑल दी फॉर्मूलाज, इसमें सारे फॉर्मूलाज है। मीन मीडियन मोड तो अपने को पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता है, तो थोड़ा सा है कि फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। फिर डी आई आता है एंड टेबल बार ग्राफ या पाई चार्ट बेसिस होते हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि इसमें जो डी आई है वो बहुत घुमा करके नहीं पूछता है, सिंपल होगा, ज़्यादा कोई वेरिएबल्स नहीं होते हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। तो चार डी आई आएंगे आपके इसमें, ठीक है। जैसे 2022 में मैंने इसमें मेंशन भी किया है कि 16 क्वेश्चन आपके क्यू ए से आते हैं, 12 क्वेश्चन आपके डी आई से आए थे, तो चार डी आई आए थे तीन तीन क्वेश्चन के, उन चार में से तीन तो डूएबल था इजी, चौथा मतलब डूएबल तो चारों ही थे, बट टाइम के रेस्पेक्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो चौथा थोड़ा सा उसमें लॉजिकली मतलब क्वेश्चन पेपर के बेस के ऊपर बना दिया गया था, तो थोड़ा सा उसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत पड़ रही थी, बाकी तीन तो ईजिली डूएबल थे, ठीक है। तो ये था आपके क्वांट की बात। देन जीके की बात कर लेते हैं, हालांकि जीके में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 25 क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। जीके में मतलब 50% वेटेज तो करंट अफेयर्स की होती है, यू शुड नो अबाउट ऑल द करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूँ, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फलाना कंपनी का कौन सीईओ है। करंट अफेयर्स में अगर बात, आजकल न्यूज़ में जो चल रहा है, कौन कहाँ पे बदल रहा है, कौन कहाँ का नया चेयरमैन लगा है, कहीं पे कुछ पीएमवीएम चेंज हुआ है तो पता होना चाहिए, नोबेल प्राइजेस वगैरह आपको पता होने चाहिए, कैपिटल करेंसीज, किसने कौन सी बुक लीक की है, फेमस पर्सनैलिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको, अगर कोई कहीं का लोगो वोगो चेंज करता है, फलाना का लोगो क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो ये जीके का है। बाकी तो देखिए जीके तो इट्स लाइक कि इट्स अ बिग अम्ब्रेला, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। ट्राई अपनी तरफ से आप जितना पढ़ सकते हैं, बट करंट अफेयर्स के लिए डू रीड न्यूज़पेपर्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स को हमेशा से रिकमेंड किया जाता है। इस एडिटोरियल सेक्शन पढ़िए, उससे नॉलेज भी बढ़ेगी, रीडिंग की हैबिट भी पड़ेगी, वो कैब भी इम्प्रूव होगी, तो एक तीर से बहुत सारे शिकार होते हैं, तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर रीड कीजिए, ठीक है। इन दी लास्ट बात करते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, कि हमने सिलेबस देख लिया, आप थोड़ा सा प्रिपेयर कैसे करें। अभी भी हमारे पास 1 month है, 8 January को आपका जैट का एग्ज़ाम है, तो 1 महीने में आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेली का तो मॉक खैर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3-3.5 घंटे का आपका पेपर हो जाता है, मतलब 3 घंटे लगा लो आप, 190 मिनट्स है, तो अगर आप डेली मतलब हफ्ते में 3 mock दे दीजिए, अगर आप हफ्ते में 3 mock भी देते तो उस हिसाब से आप 4 हफ्ते में भी 12 mock दे देंगे, तो 12 mock एंड एनालिसिस, ऑब्वियसली प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे, तो दैट वुड बी सफिशिएंट, प्लीज फिल इन योर गैप्स, ठीक है। अब हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहले एक स्केड्यूल बनाइए। स्केड्यूल में आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टारगेट्स क्या हैं। स्केड्यूल में देखो, इसे नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ये होना चाहिए कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है,
ठीक है, तो वो डेली का टारगेट आप पूरा कीजिए। तो शेड्यूल बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा वीक एरिया कौन सा है, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। उसी हिसाब से तो आप शेड्यूल बनाओगे। जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसमें आपको कम टाइम देने की ज़रूरत है, जो वीक एरिया है उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, मॉक टेस्ट स्टार्ट कीजिए। अगर इफ़ यू डोंट नॉट नो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मॉक दे दीजिए। एक रफली मॉक दीजिए जिसमें आपको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। उससे आपको जितना भी मैंने सिलेबस बताया उसका भी आइडिया लग जाएगा कि जो बता रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है। प्लस आपको अपना वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया पता चल जाएगा, डिसीजन मेकिंग में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, डिसीजन मेकिंग में किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने भी टाइप बताया ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वाले, एथिक्स वाले, तो कौन से वाले में आप कंफर्टेबल हैं, कौन से वाले में आप कंफर्टेबल नहीं है, सो दैट जब पेपर में है तो आप ट्रैप में ना फंसो, ठीक है। आप अपने आराम से इजिली उससे एक्लेमेटाइज हो जाओगे, ठीक है। तो वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज अपने पता कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट से पता कर सकते हैं, एंड यू कैन प्लान योर शेड्यूल। तो इन अ वे यू कैन गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब यू कैन स्टार्ट विद दिस, एक रफली मॉक देके दीजिए, फिर अपनी एनालिसिस में वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज बनाइए, एंड देन अपना शेड्यूल प्रिपेयर कीजिए, एंड देन फॉलो दैट शेड्यूल टिल वन मंथ के लिए। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भैया कर लेना ज़रूरी है, एटलीस्ट 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स के जैट के देख ही लीजिएगा, 2022 के, 21 के, जितने देख सकते हो, BDM वगैरह। अगर पूरा नहीं भी देखा जाता है तो ऐसा मत सोचिए कि अगर पूरा ही लेके बैठना है, नहीं भी देखा जाता है तो चलते फिरते थोड़ा सा एक BDM कर लिया, ठीक है, फिर चलते हुए थोड़ा बहुत आपने कहीं का DI कर लिया, एक DI इधर का कर लिया, एक उधर का कर लिया, तो एक कर्सरी ग्लांस तो आप दे ही सकते हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ट्रस्ट मी, इसमें जैट में जो भी क्वेश्चंस है ना, बिजनेस डिसीजन मेकिंग के हो गए या जो लॉजिकल रीजनिंग का पॉइंट के भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मतलब मुझे तो पर्सनली सही लगते हैं, बिकॉज एक होता है कि आप एग्जाम निकालने के पर्सपेक्टिव से देखते हो, एक होता है आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो आपकी पर्सपेक्टिव से चीज़ों का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। और लर्निंग के हिसाब से देखोगे तो आपको करने में मज़ा भी आएगा, एंड कब कब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तो थी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का ज्ञान। अब बात करते हैं थोड़ी सी कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ भी देख लेते हैं। अरे हाँ, ये पॉइंट रह गया हमारा, रिवाइज रेगुलरली तो मस्त है। मतलब रिवाइज तो हमने करना बनता है, अगर आप रिविजन ही नहीं करोगे तो, मतलब रिविजन इज दी मदर ऑफ लर्निंग, अगर रिविजन नहीं करेंगे तो लर्निंग नहीं होगी, तो रिवाइज करना ज़रूरी है। ऑफिस की बात है, अपने मॉक्स रिवाइज कीजिए, प्रीवियस पेपर्स एंड कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये है हमारी कट ऑफ पिछले 2022 की, जो 2022 इन द सेंस की जो जैट, क्योंकि जनवरी में होता है, तो जैसे अभी का जैट है वो 2023 बोला जाता है, तो जो अभी इस साल 2022 में जनवरी में जब जैट हुआ था उसकी कट ऑफ देखिए, ये स्कोर नहीं है, स्कोर मत समझेगा, परसेंटाइल है, ठीक है। ऑब्वियसली पेपर तो आपका 75 में से बनेगा ना, 70 मतलब जो भी आपकी लिस्ट लगेगी 75 के हिसाब से आएगी, तो परसेंटाइल है। तो अगर हम PGDM BM की बात करें तो 93% पे आपको कॉल आ जाएगी, मेल हैं अगर आप, 90 पर फीमेल को आ गई थी पिछली बार, एंड ये HRM की कॉल्स हैं, ये आप देख सकते हैं मेल इंजीनियरिंग, फीमेल इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग की क्या है। अब ये तो होगी परसेंटाइल, अब कितने स्कोर पे कितनी परसेंटाइल बनती है ये तो पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम ये देखते हैं, ठीक है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, सेक्शनल कट ऑफ भी होती हैं इन सब में, हर सेक्शन में आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालने की ज़रूरत है, GK को छोड़ करके उन तीनों सेक्शन में, एंड ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने आपको DM का बताया था, डिसीजन मेकिंग का 7-8 कट ऑफ जाती है, ऐसे ही आपका मतलब मैथ का, मतलब 7-8, 7-8, 10 जाएगी मैक्सिमम मैथ की, तो विद इन 10 आप मान के चलो सबके तीनों सेक्शन की कट ऑफ जाती है, इंग्लिश की तो और भी कम जाती है, तो विद इन 10 आपकी कट ऑफ आ जाएगी, तो आपकी सेक्शन निकल जाएगा पूरा, ठीक है। अब ये बात करते हैं जैसे 90%, अगर मैं 90% की बात करूं, 90% के लिए आपको 26 नंबर लेकर आएंगे, तो 90% जो भी हमने देखा था, देखो फीमेल है अगर आप, तो 90% पे आपको BM मिल गया था पिछली बार, एंड 93, तो सेफ जोन अगर मैं बात करूं इसमें, ऐसा 90-93 मत सोच के चलना, ये मत सोचना कि मुझे 26 ही लाने हैं, 90 ही लाने हैं, ये मत सोचेगा। अगर आप टारगेट मतलब 34-32 का टारगेट करेंगे तब जा करके आप गिरेंगे इस वाले जोन में, मतलब थोड़ा टारगेट हाई रखना चाहिए सो दैट गिरो भी तो सेफ जोन में गिरो जा करके, इतना भी नहीं होना चाहिए पहाड़ जैसा लगे, अपना कैलिबर देखकर टारगेट करना चाहिए, लेकिन इतना कम भी मत कीजिए कि गिरें तो हम बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाएँ, ठीक है। तो आप 35 अगर प्लस लेकर आते तो 98% हो जाएगी, 33-34 के आते तो 96%, देखो देख रहे हो आप यहाँ पे एक एक नंबर पे परसेंटाइल दो कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पर देखिए अगर आपने 94 से 96 2% का फर्क आ रहा है यहाँ पे, अगर आप 29 से 33 तक पहुँचते हैं, मतलब आपने 3-4 नंबर और ले लिए
तीन चार नंबर मतलब तीन चार क्वेश्चन और सही से कर दिया, मैं 2% एलोप इंक्रीज कर जाएंगे। 90 से 92 में देखो, देखिए 26 तक 90 बन रही है एंड 26.5, मतलब एक एक नंबर के गैप पे आपकी परसेंटेज चेंज हो रही है। तो एक एक क्वेश्चन के लिए फाइट करनी पड़ेगी आपको, आप समझ रहे हैं बात को। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट अ केक वॉक एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए स्टार्ट टुडे, मॉक दीजिए, देखिए आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ जाने का आप सोच रहे हैं, कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कैसे स्केड्यूल बना सकते हैं आप उस सब के लिए। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, आपको सब आता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स अभी तक रहे हैं, आपने पिछले 6-7 महीने अच्छे पढ़ाई की है, वो सब आता है। इट्स जस्ट दैट कि आपको वो मोमेंटम मेंटेन करना है। कीप रीडिंग, रीडिंग मत छोड़िएगा, बिकॉज बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको 3-3.5 घंटे बैठना पड़ेगा। वो बैठने की सिटिंग हैबिट की भी आदत डाल लेना, क्योंकि पहले तो कैट का पेपर 3 घंटे का होता था, तो 3 घंटे बैठना जैट में भी कोई डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि 190 मिनट्स होता, 180 मिनट्स होता था। अब क्योंकि 2 घंटे का हो गया है, तो आपको 1 या 10 मिनट्स एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है। तो वो बैठने के लिए कहना आसान है, लेकिन जब पेपर में, क्योंकि खाली नहीं बैठना ना, ऐसे आप बैठ गए वहाँ पे कोई मूवी चल रही है, ऐसा तो कुछ सीन नहीं है, बैठ के दिमाग चलाना पड़ेगा आपको लास्ट तक के लिए। तो उसके लिए आपको मॉक दीजिए, अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, थोड़ा पढ़ाई उसमें ब्रेन आपका चले, एंड टाइम स्लॉट्स के हिसाब से आपका ब्रेन वर्क करना चाहिए, ठीक है। बहुतों का ब्रेन शाम तक आते हैं तो थोड़ा ठप हो जाता है, तो आप देख लीजिए उस हिसाब से। एंड अगर आप हमारे मॉक्स लेना चाहते हैं, सेल्फीज के मॉक, तो आप ये जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। हम बहुत ही नॉमिनल रेट पे आपको जैट के, स्नैप के, एनमैट के, बाकी के मॉक्स अवेल करा सकते हैं, ठीक है। एंड नहीं है तो अगर आपके पास जिस भी टेस्ट सीरीज के, जिस भी इंस्टीट्यूट के, आप वो वाले दीजिए, पर दीजिए ज़रूर, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।